हेलो गाइज, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेज। गाइज, मेरा नाम है सचिन, मैं आप लोगों को बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो गाइज, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में जो चैप्टर 1 है बायोलॉजी का, जिसका नाम है जीवों में जनन, उसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो उसमें एनसीईआरटी बुक में जो उसका पीछे का क्वेश्चन है, आइए हम लोग उसे हल करते हैं। तो गाइज, जो एनसीईआरटी का पीछे का पहला प्रश्न है वह है जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। पहला प्रश्न है जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। गाइज, यह है पहला प्रश्न, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, जीवों के लिए जनन इसलिए अनिवार्य है क्योंकि कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया को अपनाएगा। दूसरा, जो हमारा परितंत्र है वह एक जीव से दूसरे जीव से जुड़ा रहता है। अगर मान लीजिए कोई जीव उसमें निषेचन की क्रिया करके अपने जीव में वृद्धि नहीं करता है, तो उसके जो नीचे वाले जीव हैं उनमें संख्या में वृद्धि हो जाएगी और जो उसके ऊपर वाले जीव हैं वो तो खाने के लिए मरने लगेंगे। और गाइज, कोई भी जीव जनन करता है अपने वंश को अस्थायित्व रखने के लिए। तो गाइज, आइए हम लोग लिखते हैं जीवों के लिए, इसका उत्तर जीवों के लिए जनन निम्न कारणों के लिए अनिवार्य है। गाइज, निम्न कारणों के लिए अनिवार्य है। पहला है, जीवों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। दूसरा, जीवों को अपना वंश बनाए रखने के लिए। तीसरा, पारितंत्र की संतुलन अवस्था बनाए रखने के लिए। गाइस, इन कारणों से जीवों में जो जनन होता है इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि उनमें उन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपना वंश बनाए रखने के लिए और अपने जो उसमें पारितंत्र होता है उसके संतुलन की अवस्था बनाए रखने के लिए जीवों में जनन आवश्यक होता है। गाइज, पारितंत्र की व्यवस्था कैसे बनेगी? जैसे मान लीजिए ये निम्न उपभोक्ता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मेढक हो गया, मेढक। अब मेढक को कौन खाएगा? मेढक को सांप खाएगा। सांप को चील, कौवे ये सब खाएंगे या मोर खाएगा।
मोर खाएगा। तो गाइज अब जैसे मान लीजिए या तो निम्न उपभोक्ता है या माध्यमिक उपभोक्ता या तो उच्च उपभोक्ता हो गया ना, उच्च उपभोक्ता ये नहीं है, उच्च उपभोक्ता शेर होता है, हम लोग इसमें समझेंगे। तो गाइज जैसे मान लीजिए ये जो मेढक है, ये जो मेढक है और ये सांप है, ये चील है, अगर जो ये मेढक है सांप है अगर यह जनन न करे, अगर यह जनन न करे तो इसकी संख्या में वृद्धि तो होगी नहीं, इसकी धीरे धीरे संख्या समाप्त होने लगेगी। और इसको जो खाने वाले जीव हैं चील मोर, तो जो ये हैं ये तो इसे खाएंगे। अब जब इसकी संख्या कम होने लगेगी तो इन्हें भी भोजन के लिए प्रॉब्लम होगा, इन्हें भोजन नहीं मिल पाएगा। और ये जो मेढक हैं, जो सांप है वो मेढक को खा रहा है, अगर जब सांप की संख्या में कमी होने लगेगी तो जो मेढक है ये जनन करेंगे, जनन करने के पश्चात जो इनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, तो जो हमारा परितंत्र है वह असंतुलन में हो जाएगा। तो गाइज इसलिए किसी भी जीव को अपने अस्तित्व परितंत्र व वंश को बनाए रखने के लिए जनन करना आवश्यक है। अब गाइज इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। गाइज इसमें दूसरा क्वेश्चन है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? दूसरा है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? जनन की अच्छी विधि कौन सी है? कौन सी है और क्यों? तो गाइज आइए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं उत्तर। जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन है। जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन है, अब गाइज इसमें पूछा है जनन की अच्छी विधि कौन सी है, जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक है, क्यों? आइए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति, क्योंकि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में अत्यधिक सुरक्षित होती है, तथा उससे उत्पन्न संतति में वृद्धि निश्चित समय तक, तथा विकास जीवन पर्यंत होता है, गाइज यह हो गया जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक विधि है, क्योंकि लैंगिक विधि में जो नर जनन होता है और मादा जनन दोनों अलग अलग
जीव में पाए जाएंगे। जो नर जनन तंत्र के द्वारा उत्पन्न स्पर्म और मादा जनन तंत्र के द्वारा उत्पन्न ओवम मादा के यूट्रस में फाइलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेंगे, जिसके द्वारा वहां पर उत्पन्न संतति जो होगी वह अत्यधिक भ्रूणावस्था में अत्यधिक सुरक्षित होगी बजाय अलैंगिक जनन के द्वारा। और उसमें जो उत्पन्न संतति होगी उसका जो वृद्धि होगा, वृद्धि तो एक वृद्धि मतलब लंबाई मोटाई चौड़ाई ये सब तो एक निश्चित समय तक होगा, लेकिन जो उसके मस्तिष्क का विकास होता है वह जीवन पर्यंत होता रहता है गाइज। इसलिए जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक विधि है। अब गाइज इसका तीसरा क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? आइए गाइज इसे साफ करते हैं और जो तीसरा क्वेश्चन है उसे लिखते गाइज। जो तीसरा क्वेश्चन है यह है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? तीसरा अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? तो गाइस आइए लिखते हैं उत्तर। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति को उत्पन्न संतति का आकारिकी संरचना वह आनुवांशिकी गुणधर्म वह आनुवांशिकी गुणधर्म दोनों जनक के समान होते हैं, दोनों जनक के समान होते हैं। गाइज अलैंगिक जनन आप लोग जानते हैं, अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र, नर जननांग व मादा जननांग दोनों एक ही पादम में उपस्थित होते हैं, तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो गाइज अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? तो गाइज क्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जो संतति है जिस पादप से जिस जनक से उस संतति का निर्माण होता है उसके आकार की संरचना व अनुवांशिक गुणधर्म एकदम सेम टू सेम होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा पुष्पी पादप जैसे मान लीजिए गाइज ये कोई पादप है और यहाँ पे इसमें फ्लावर लगा है और ये है सब इसकी पत्तियां, हैं। अब गाइज जैसे मान लीजिए यह निषेचन किया और इसके दौरान जो उत्पन्न नेक्स्ट पादप होगा वह भी सेम टू सेम इसके समान होगा, वह भले छोटा होगा प्रारंभिक अवस्था में फिर इसके पश्चात बड़ा होकर इसके जैसा ही बनेगा। तो इसके गाय जो संरचना है सेम टू सेम इसके समान होगा, नो चेंजिंग, क्योंकि इसमें नर जनन तंत्र व मादा जनन दोनों एक ही पादप में पाए जाते हैं। तो गाय इसलिए इसके द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। गाइज आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है गाइज? जो चौथा क्वेश्चन है यह तो बहुत बड़ा है। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है?
लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों गाइस? एक क्वेश्चन यह हो गया, और क्या यह कथन हर समय सही होता है? क्या यह कथन हर समय सही होता है? तो गाइज आइए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं इसका उत्तर। लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति प्रारंभिक काल में अत्यधिक सुरक्षित होती है। इसलिए जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं और गाइस क्योंकि जो लैंगिक जनन होता है इसमें तो जो शिशु का निर्माण होगा माता के यूट्रस में होगा, तो जिसके कारण वह जो संतति होगा प्रारंभिक काल में अत्यधिक सुरक्षित होगा। इसके पश्चात क्या यह कथन हर समय सही होता है? यह कथन केवल जरायुज जीवों के लिए सही होता है। जरायुज जीवों के लिए हर समय सही होता है, वह अंडजयुज जीवों के लिए सही नहीं होता है, तो गाइज यह हो गया चौथे का आंसर। लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान यह तो हो गया। फिर यह है जो है जरायुज जीव, जो जीव बच्चे पैदा करते हैं, उनके बच्चे अत्यधिक जीवित रहने की आशंका है, क्योंकि बच्चे पैदा होंगे तो वे उनकी माँ उन्हें दूध पिलाएगी जिससे उनका पोषण होगा, उनके जीवित रहने की आशंका अधिक होगी। और जो अंडजयुज जीव होते हैं वे जीव जो अंडे पैदा करते हैं, मान लीजिए जैसे ये अंडा पैदा किए कहीं पर
झाड़ियों में दिए, इसके पश्चात कुछ अंडे तो वहां से लुढ़क कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, या कुछ अंडे फूट कर नष्ट हो जाते हैं, कुछ ही अंडे बचते हैं, या फिर जैसे बचे हैं उन्हें कोई दूसरा जीव खा जाए। तो इसके लिए जो अंडज जीव होते हैं उनके लिए यह सदैव के जीवित रहने के अच्छे अवसर नहीं होते, यह कथन उस पर हर समय सही नहीं होता, लेकिन जरायु जीवों के लिए हर समय सही होता है। गाइस यह हो गया चौथा क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग पांचवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, लैंगिक अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतत लैंगिक जनन द्वारा बनी संतत से किस प्रकार भिन्न है। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतत पांचवा क्वेश्चन, लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। तो गाइस आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर एक तरफ हम लोग दो कॉलम बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हो जाएगा लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो गाइस आइए हम लोग इसमें लिखते हैं, पहला अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति लैंगिक जनन द्वारा संतति से किस प्रकार भिन्न है। तो हम लोग लिखते हैं अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति प्रारंभिक काल में सुरक्षित नहीं होती है, प्रारंभिक काल में सुरक्षित नहीं होती है। और गाइज लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति प्रारंभिक काल में सुरक्षित होती है, प्रारंभिक काल में सुरक्षित होती है। गाइस यह हो गया पहला अंतर। आइए हम लोग दूसरे अंतर को लिखते हैं,
बिल्कुल जनक के समान होगा। गाइज इसके द्वारा उत्पन्न संतत, इसके द्वारा उत्पन्न संतत जनक के समान नहीं होगा, जनक के समान नहीं होगा। गाय जाइए तीसरा आंसर उत्तर लिखते हैं इसमें। इसमें संतति के लिए अलग अलग जीवों की आवश्यकता नहीं होती, जीवों की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। और गाइस इसमें दो भिन्न भिन्न लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है, जीवों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। गाय जाइए चौथा अंतर लिखते हैं। इसमें सभी अंडज युज जीव आते हैं, अंडज युज जीव आते हैं। इसमें जरायु जीव आते हैं, इसमें जरायु जीव आते हैं। और गाय जिसमें पांचवा है, इसमें उत्पन्न संतति, इसमें उत्पन्न संतति अत्यधिक संख्या में होते हैं, अत्यधिक संख्या में होते हैं। और इसमें उत्पन्न संतति एक या दो, इसमें उत्पन्न संतत एक या दो होते हैं, एक या दो होते हैं। तो गाइज यह है लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में पांच अंतर। अभी हम लोग दो अंतर के बारे में और जानेंगे। तो गाइज आप लोग यहां तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसके और जो इसमें और अलगाव है उसके बारे में जानेंगे। तो गाइज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए गाइज लिखते हैं अब छठवां। हम लोग इसमें लिखेंगे छठवां है इसमें, इसके द्वारा उत्पन्न संतत उत्पन्न संतत का वृद्धि व विकास जीवन पर्यंत होता है,
जीवन पर्यंत होता है। और गाइज इसमें इसके द्वारा उत्पन्न संतत का वृद्धि निश्चित समय वह विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है, जीवन पर्यंत होता है। गाइस आइए छठवां लिखते हैं, छठवां इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सातवां इसका एग्जाम्पल, अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा, अलैंगिक जनन जैसे पुष्पी पादप केचुआ, जोक। और गाइज इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा मानव पशु। तो गाइज आज हम लोग लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति में विभेद को जान लिए। इसमें पूरे 7 प्रकार के विभेद होते हैं जो आप लोग जान लिए। तो गाइज बस आज का वीडियो यहीं तक, कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे छठवें क्वेश्चन से लेकर जो जितने इसमें 18 क्वेश्चन है इन सब के बारे में देखेंगे, जहाँ तक हो सकेगा करेंगे हम लोग उसका एक्सरसाइज। तो गाइज बस आज का वीडियो यहीं तक, आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइज यह जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, यह जो एनसीईआरटी का पीछे का प्रश्न है यह कोई भी नहीं कराता है, तो मैंने आप लोगों के कारण इसके क्वेश्चन आंसर को हल कराया है। तो गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो आपको डाउट हो उसे कमेंट में बताइएगा, आपके डाउट को आउट किया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।